हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार पूरी तरीके से स्वस्थ होगा और आप स्टडी मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलते हैं, डील कर लेते हैं आज अपने टॉपिक को जो हमारे पास है, प्लैटिहेल्मिंथीज। कि क्या कहते हैं प्लैटिहेल्मिंथीज, इसके पहले हमने डील किया एनिमल किंगडम को, हमने डील किया प्रोटिस्टा किंगडम को, हमने फाइलम प्रोटोजोआ देखा, हमने फाइलम पोरीफेरा देखा, हमने फाइलम सिलेंट्रेटा को देख लिया था। अब हमारे पास टॉपिक आ गया है प्लैटिहेल्मिंथीज। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाकी जो काम करने हैं आपको तो वो करते रहेंगे, ठीक। तो नोट्स के लिए आप पेन कॉपी जो भी आपके पास है उसको उठाइए और नोट्स लिखना तैयार हो जाइए। और आप अधिक से अधिक मेरे स्टूडेंट जो हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, उनको मेरे ऐप के बारे में बताइए। हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया की लार्जेस्ट BSc यानी हायर एजुकेशन के लिए स्टडी मटेरियल, वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आपको हर टाइप के स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे यदि आप क्लास 9 से MSc करने की सोच रहे हैं, वो भी साइंस रिलेटेड से, ठीक। तो आप हमारे ऐप के बारे में अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को बता सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिरकार जो हमारा प्लैटिहेल्मिंथीज है क्या है, हमारा प्लैटिहेल्मिंथीज है, प्लैटिहेल्मिंथीज का स्टडी कहाँ करेंगे, क्या प्लैटिहेल्मिंथीज का स्टडी कहाँ करते हैं, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। देखो, स्टडी की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टडी है इसको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हेल्मिंथिजोलॉजी जो है, क्या हेल्मिंथिजोलॉजी जो है, ये स्टडी का एक कह सकते हो ब्रांच होती है जहाँ पे प्लैटिहेल्मिंथीज की स्टडी की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज की। तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज इस समय हमको फाउंड हैं, प्राप्त हैं, लगभग 13,000 स्पीसीज, कितने, लगभग 13,000 स्पीसीज इस समय पाए जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करें ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि इनके बॉडी में क्या जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने देखा था टिश्यू सिस्टम तक ही सीमित था, क्या था, टिश्यू सिस्टम तक ही सीमित था जो हमारे पास सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आया था, लेकिन यहाँ पे ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं टू टाइप्स को होते हैं, कैसे टू टाइप्स को होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, यानी किसी के साथ, मतलब किसी के साथ जिंदा रहने की उम्मीद नहीं रखते, अकेले भी ये जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख लेंगे क्या कि फ्री लिविंग होते हैं एंड ये पैरासिटिक्स होते हैं, कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक का मतलब परजीवी होते हैं, परजीवी यानी किसी को होस्ट बनाएंगे और अपने गेस्ट हो जाएंगे और वहां से न्यूट्रिशन मटेरियल को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, यानी अवशोषित करते रहेंगे और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। जैसा इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हमारी पूरी पूरी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, क्या है, ये पूरी हमारी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा स्कैरिस पाया जा रहा है, क्या स्कैरिस पाई जा रही है, और जो ये स्कैरिस है ये हमारे ब्लड वेसल्स के साथ साथ क्या कर रही है, यहाँ पे सिस्टम यानी हमारी जो छोटी आंत है, छोटी आंत के पास ये वहां से न्यूट्रिशन मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रही होगी, ठीक। हमारी छोटी आंत से क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर रही होगी, क्या यहाँ पे पैरासाइट्स के रूप में। तो ये जो होगा, ये टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, ये होस्ट हो जाएगा, और ये जो है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे गेस्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये होस्ट हो जाएगी और गेस्ट हो जाएगी। तो भैया हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो खाना पीना कौन बनाता है, हमारे घर वाले बनाते हैं, तो हम तो होस्ट हो गए, यानी कुल खर्चा बर्चा किसका होगा, हमारा होगा, लेकिन उस मेहमान क्या क्या होगा, वो तो गेस्ट बन के आया है, उसको पूरी बनेगी, चाय बनेगी, समोसे बनेंगे, पकौड़ियाँ बनेंगी, तो उसको फ़ायदा हो रहा है जो गेस्ट आया है। अब भी कहीं जाते हो तो वैसे तो लॉस किसका हुआ, होस्ट का हुआ, फायदा किसको हुआ, गेस्ट को हुआ, अच्छे अच्छे खाने के लिए मिल रहा है, ठीक। वही बात करेंगे अगला, देखो बोल रहा है इट्स ऑर्गेनिज्म विथ बायलैटरल सिमेट्रिकल, यानी जो कैसा होगा, ये बायलैटरल सिमेट्री फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यदि एक्सिस की बात करें, कैसे एक्सिस की बात करें, तो इनको थ्री डायमेंशनल एक्सिस में हम डिवाइड कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी वो, ट्रांसवर्स भी, ओके। अब वहां पे बात करती है, यहां पे जो बॉडी प्लान होता है, क्या होता है, बॉडी प्लान होता है, वो कैसा होता है, यहां पे कहते हैं इनको ब्लिंड, क्या बोलते हैं इनको, ब्लिंड शेक, ब्लिंड शेक बॉडी प्लान होता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आपको मिल जाएगा बॉडी प्लान का, हमने उस बॉडी प्लान में आपको डिटेल कराया था कि आखिरकार किस किस टाइप का बॉडी प्लान होता है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी प्रेजेंट है,
आप देख सकते हैं वहां पे विजिट करके, क्या बॉडी प्लान स्लैश VNR क्लासेस आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा, इनके ये कैसे होते हैं, ट्राइब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ट्राइब्लास्टिक मतलब इसमें मीसोडर्म, इंडोडर्म और एक्टोडर्म। कौन? मीसोडर्म मतलब बीच वाला हिस्सा, और एक्टोडर्म मतलब बाहर वाला हिस्सा, और इंडोडर्म मतलब अंदर वाला हिस्सा। तीनों पार्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी ऐसा पार्ट्स होगा। ठीक, ऐसा पार्ट्स, ये वाला जो पार्ट्स है उसको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म है, और ये वाला जो पार्ट्स है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मीसोडर्म कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट्स है ये कौन सा पार्ट्स हो जाएगा, ये आपका इंडो पार्ट्स हो जाएगा। यानी तीन लेयर देखने को मिलते हैं, इनको ट्राइब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म के श्रेणी में हम लोग रखते हैं। अब बात करें ये कैसे होते हैं, डिटोरोस्टोम्स होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं। भैया तो ये कैसे होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं। क्या होते हैं प्रोटोस्टोम, डिटोरोस्टोम, इसका भी मैंने क्लास बना दिया है। ठीक, आप इसीलिए पूरा क्लास लिया करो, कोर्सेस के अंदर हम लोग पूरे टॉपिक को डिटेल करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, ये एसिलोमेट्स होते हैं, कैसे होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं, तो एसिलोमेट्स की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, तो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, एसिलोमेट्स होते हैं। आगे बात करें यहां पे कि हमारे पास इनके अंदर क्या, इनके अंदर जो पूरी पूरी टिश्यू लेवल होती है, क्या जो टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो काफ़ी कह सकते हो कि सिंपल बेसिस पे होती है। कैसे होती है, काफ़ी सिंपल बेसिस पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिल जाती है। अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है, अगला टॉपिक कह रहा है यहाँ पे कि आपके जो पैरेन्काइमल टिश्यूज होती हैं, क्या पैरेन्काइमल टिश्यूज होती हैं फ्रॉम यहाँ पे क्या बना रही है, हाइड्रोलिक, क्या हाइड्रो बोल रही है, हाइड्रोलिक स्केलेटन का फॉर्मेशन कर रही होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगली बात करें, अगला हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अनसिगमेंटेड, कैसे अनसिगमेंटेड बॉडी पार्ट्स देखने के लिए मिल जाता है। यानी इनकी जो बॉडी पार्ट्स होती है, यानी ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक, ऐसा कह सकते हो कि इनके बॉडी में कोई भी सिगमेंट देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक, आगे बात करें यहाँ पे, अगला यहाँ पे आगे टैप वर्म की बात कर रहा है, कैसा यहाँ पे कहते हैं सूडो, क्या बोलते हैं इसको, सूडो सिगमेंटेड होते हैं। ठीक, मतलब हल्का सा सिगमेंट देखने के लिए मिल जाता है, और इनकी बॉडी कैसी होती है, काफ़ी थिन होती है, देखने में काफ़ी पतली बॉडी होती है। ठीक, और डार्सल वेंट्रल फ्लैटेड, ना फ्लैटेड की बात कर रहा है, यानी ये डार्सल और वेंट्रल तरीके से थोड़ी सी चिपकी हुई होती है, मतलब पिचकी हुई होती है, चिपकी नहीं। अब बात करते हैं इनके सिस्टम्स की, अभी तक अब बात करते हैं डाइजेशन सिस्टम कैसा होगा, तो नोट करना यहां से कि जो डाइजेशन सिस्टम्स होता है वो इनकम्प्लीटेड होता है। कैसा होता है, इनकम्प्लीटेड डाइजेशन सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है विथ नो एनस, यानी भैया इनके अंदर कोई भी एनस ओनस प्रेजेंट नहीं होगा, यानी पुट्टी करने के लिए, ठीक ठीक सोच करने के लिए इनके अंदर कोई भी एनस नहीं होता है। ठीक, आगे बात करें इन टैप वर्म, ठीक जो टैप वर्म होती हैं, यहाँ बोल रहा है एलिमेंट्री, क्या एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट, यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि टैप वर्म में एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक, तो नोटेड करना एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए यहाँ से, कि आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइजेशन प्लैटिहेल्मिंथीज में कैसा होता है, तो बोल सकते हो कि इनकम्प्लीट होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाया जाता है, यानी टोटली एब्सेंट होता है। तो देखो यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भैया ये स्पेशल कैसे होता है, सिलोमेट्स हैं कि एसिलोमेट्स हैं, तो ये सिलोमेट्स हैं, ये डिटोरोस्टोम्स हैं कि प्रोटोस्टोम्स हैं, तो ये भैया प्रोटोस्टोम्स हैं, ट्राइब्लास्टिक एनिमल्स हैं, बायलेटरल, ये देखो ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, बायलेटरल सिमेट्रिकल दिखाता है, और ब्लिंड जो सेक बॉडी प्लान है ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको पूछ देगा, और वहाँ भी बच्चे डाउट काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि यदि आपको टू द पॉइंट्स नहीं पता है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। ठीक, तो इतनी बात हो गई, चलते हम आगे अगले पेज पे। अगला पेज हमारे पास बचता है क्या, यहां से बात करेंगे रिस्पायरेशंस की, कि आखिरकार क्या होते हैं रिस्पायरेशंस। रिस्पायरेशन की बात करें तो थ्रू यहां पे जनरल बॉडी सरफेस, यानी इनकी जो बॉडी सरफेस होती है किसकी, हमारे प्लैटिहेल्मिंथीज के एनिमल्स जो होते हैं, ठीक उनकी जो बॉडी प्लान होती है वो, सॉरी बॉडी सरफेस होती है
उन्हीं से वो क्या करते हैं, स्पेशली वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, क्या डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा सारा मटेरियल क्या करता है, क्या सारा मटेरियल वहाँ पे जाएगा, ठीक, कहाँ, बॉडी के अंदर जाएगा। यानी कह सकते हो कि हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो सप्लाई होती है वो बॉडी के द्वारा होती है, यानी बॉडी से ही वो दोनों सप्लाइयाँ कंप्लीट होंगी, ठीक। आगे बात करते हैं सर्कुलेशंस की, सर्कुलेशन कैसे होगा भैया, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलेशंस होता है तो हमारे पास वो रहा है थ्रो, किसके द्वारा होगा, यहाँ पे पैरेन्काइमल टिश्यूज होते हैं, क्या पैरेन्काइमल टिश्यू और फ्लूड होते हैं, उनके द्वारा ही वहाँ पे सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और ये आईएमपी भी है, इसको नोट डाउन जरूर करना, ये पूछता है। और बच्चे बता दें कि 90% नहीं 98% बच्चे यहाँ से गलती करेंगे। आप एमएससी के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो तो आप इस पॉइंट्स को याद रहे कि ऐसे क्वेश्चंस ही टू द पॉइंट्स पूछे जाते हैं, ताकि आपको सही डिटेल पता है कि नहीं पता है, आपने बीएससी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उस टॉपिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे यदि नेट की तैयारी करना है तो नेट की तैयारी में भी पूछा सकता है, यदि आगे टीजीटी देनी है, पीजीटी देनी है, तो भी ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक। आगे बात करते हैं एक्सक्रीशंस की, भैया उत्सर्जन कैसे होगा, एक्सक्रीशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशली एक सेल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लेम सेल गुरु जी बड़ी मारते थे 9th में या फिर 11th में कि बताओ भैया जो प्लैटिहेल्मिंथेस होता है उसमें किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, तो हम लोग हिंदी मीडियम वाले थे तो हम लोगों को ये पूछा जाता कि बताओ उत्सर्जन कैसे हो रहा है प्लैटिहेल्मिंथेस में, तो स्पेशली कैसे होता है, फ्लेम सेल द्वारा हो रहा है, ठीक। क्या हो रहा है, फ्लेम सेल, इनको सेलेनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो भैया ये भी आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और इसको भी आईएमपी आप कर ही लेना, ठीक। आगे बात करते हैं यहां से, लेकिन यहाँ पे कभी कभी देखा जाता है कि हमारे जो अलग एनिमल्स होते हैं, मतलब एनिमल्स हैं, उनके अंदर प्रोटोनेफ्रेडिया पाया जाता है, क्या प्रोटोनेफ्रेडिया भी होता है, हम इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लेम सेल, सेलेनोसाइट्स एंड प्रोटोनेफ्रेडिया, ठीक। और यहाँ पे बोल रहा है कि दे आर मोर आस्मो रेगुलेटरी दिन एक्सक्रेशंस, ठीक, बोला द एक्सक्रेटरी मटेरियल इन फ्लूक्स एज फैटी एसिड। तो भैया यहाँ से भी पूछ सकता है कि हमारे पास जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, तो वो फैटी एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और अमोनिया होता है। तो फैटी एसिड तो कभी ये अमोनोटेलिक इसको बोल सकते हो, ये तो निकल ही रहा है, लेकिन ये फैटी एसिड यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स हैं जो फ्लूक्स के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। और ध्यान देना, जितने भी फ्लैटेड वर्म होते हैं, क्या जो फ्लैट वर्म होते हैं उनमें स्पेशली जो अमोनिया होता है यानी अमोनोटेलिक होते हैं वो चीफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, मतलब काफ़ी कम एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर की ओर निकालते हैं। तो दो पॉइंट्स यहाँ से लेके जाना है आप, कि पहला क्या है, जो फ्लूक्स हैं, ठीक, फ्लूक लीवर फ्लूक जिसकी बात कर रहे हैं, लीवर फ्लूक के बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड और अमोनिया सिक्रेशन होता था, लेकिन हमारे जो अदर एनिमल्स हैं, जैसे मतलब अदर एनिमल्स, अदर प्लैटिहेल्मिंथेस के एनिमल्स हैं, उनके अंदर जैसे फ्लैट वर्म्स होंगे उनके अंदर प्योर अमोनोटेलिक होते हैं, यानी अमोनिया का सिक्रेशन वहाँ पर होगा। तो इस डाउट को आप कंप्लीट करना, एमसीक्यू यहाँ से भी पूछा जा सकता है, देखो दोनों अलग हैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे लैडर लाइक ना, लेटर लाइक नहीं, ब्रेन जो होता है, क्या ब्रेन होता है, ब्रेन की बात करें तो ब्रेन, सेरिब्रल गैंग्लिया एंड टू मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड ज्वाइंटेड इन, बोले यहाँ पे क्या होगा कि हमको कहीं ना कहीं कह सकते हो लैडरल लाइक यहाँ पे ब्रेन होगा, सेरिब्रल गैंग्लिया पाया जाएगा और टू मेन रूट में लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड्स होते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं, क्या आपस में जुड़े होते हैं, इंटरवर्स बाय ट्रांसफर, ठीक, मतलब ऐसे नीचे की ओर क्या होंगे वो जुड़े होंगे, ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ से हमारे पास ये पहले एनिमल्स होते हैं, क्या याद रखना, ये पहले एनिमल्स होते हैं, फर्स्ट एनिमल्स होते हैं, क्या ये फर्स्ट एनिमल्स होते हैं जो शो करते हैं, क्या यहाँ पे सिफिलाइजेशन, क्या किसको बोलते हैं, सिफिलाइजेशन, तो सिफिलाइजेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमारे पास हेड फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, यानी हेड का फॉर्मेशन इसी प्लैटिहेल्मिंथेस से ही स्टार्टिंग होता है, यानी ये जो सिफेलिक बॉडी है ऊपर की, इस बॉडी का फॉर्मेशन इसी एनिमल के अंदर हो रहा है। आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन की जब बात किया जाए तो रिप्रोडक्शन में हम देखते क्या हैं कि आखिरकार हमारे इस मतलब हमारे एनिमल्स के अंदर प्लैटिहेल्मिंथेस के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो तीन टाइप से हो रहा है। कितने टाइप से हो रहा है? तीन टाइप से हो रहा है। इसमें हम पहले टॉपिक डील करेंगे तो क्या आएगा, ए सेक्स जो रिप्रोडक्शन होता है वो ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर लेना यहाँ पे, ये आपको दिखाता है क्या कि बाइनरी फ्यूजन यहाँ पे तो हो रहा है, लेकिन 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 इनमें बोल रहा है ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, मतलब इनमें जो पुनरुद्भवन की क्षमता है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल सकता है। क्या? काफ़ी अच्छी पुनरुद्भवन की क्षमता देखने के लिए मिलती है। आगे बात करते हैं जो रिप्रोडक्शंस में, तो ये हर्मोबोरा क्या हर्माफेड्रिक होते हैं, हर्माफेड्राइट मोनोसियस बाइसेक्सुअल, कैसा बाइसेक्सुअल, यहां पे जो हमारे पास क्या बोल रहा है बोथ एंड और प्रेजेंट, ठीक, मतलब दोनों यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक, अगर यदि फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो फर्टिलाइजेशन में इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलता है। क्या? इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलता है, ठीक, बिकॉज ऑफ यहां पे बोल रहा है क्या प्रोटा, क्या बोलता है प्रोटा, प्रोटानिडिट्री यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आप याद रखना यहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है, लेकिन कहां पे? इंटरनल यानी बॉडी के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं डेवलपमेंट्स की, हमने देख लिया डेवलपमेंट्स की बात करें, डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग इसकी जो कैटेगरी होती है। यहाँ पे लार्वा स्टेज देखने मिलता है। क्या? प्लेनेरिया की आखिर बात करें, जो हमारे पास स्पेशली यहाँ पे जो लार्वा होता है उसको मिलर लार्वा कहते हैं। क्या? मिलर लार्वा कहते हैं। आगे फ्लूक की बात करते हैं तो फ्लूक में यहाँ पे क्या बोल रहा है, मार्किया डीएम की बात कर रहा है। ठीक, यहाँ पे स्टेप्रोसाइट्स की बात करेगा, रेडिया की बात करेगा, सर्केटिया की बात करेगा, मेटासर्केटिया की बात करेगा, और यहाँ पे जो ट्रैपवर्म है उसमें हेक्सा कैंथस पाया जाता है, उसके बाद उसको बोलते हैं ऑन। ठीक है, क्या यहाँ पे कहाँ गया, हेक्सा कैंथस की बात कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे ऑन ऑनकोस, क्या बोलते हैं, अनकोसोफेरा की बात कर रहा है, उसके बाद हमारे पास अलग अलग टाइप्स के, क्या अलग अलग टाइप्स के, यहाँ पे लगभग तीन लार्वा स्टेज टैपवर्म में, कितने, तीन लार्वा स्टेज टैपवर्म में जो हमारे पास लिवर फ्लिक है उनमें आपको लगभग पांच लार्वा स्टेज देखने मिलता है, और जो प्लेनेरियंस होते हैं उनमें हमको आपको मिलर लार्वा देखने को मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से कि आप एक दो नाम याद रखें, खासकर मिलर कई बार पेपर में पूछा जा सका है तो इसलिए आप उसको जरूर याद रखेंगे। ओके, देखो स्टूडेंट, यहाँ से आपका टॉपिक पूरा क्लियर होता है कि आखिरकार क्या होते हैं प्लैटिहेल्मिंथेस के पूरा इंट्रोडक्टिव पार्ट्स यानी उनके जनरल कैरेक्टर्स। उसके बाद अब आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन की यदि बात करें सिंपल बेसिस पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारे पास क्लासिफिकेशन इसका दिखाया जाता है किसका, इसी प्लैटिहेल्मिंथेस के, तो यहाँ से आपको क्लासेस मिल जाते हैं। तो तीन टाइप्स के यहाँ मतलब तीन क्लासेस मिलेंगे। पहला हमारे पास होता है जिसको ट्यूब्रेलेरिया कहते हैं, ट्यूब्रेलेरिया यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे टर्मेटोडा मिल जाएगा, उसके बाद कॉस्टोडा मिल जाएगा। ये तीन आपको क्लास मिलेंगे जो काफ़ी स्पेशल होते हैं। काफ़ी स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन तो बनते ही नहीं हैं। ठीक, लेकिन 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 आपको यदि आप कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर के लिए, यानी यहाँ पे हम राइटिंग पेपर की बात कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से राइटिंग पेपर के लिए आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, यानी सब्जेक्टिव के लिए आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं। तो इसमें करना क्या है, बस आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, सारा चीज़ मैंने बता रखा है, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, ये दूसरा हमारे को दूसरा टाइप मिल जाता है। ठीक, टर्मेटोडा की बात कर रहा है। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, ये आपके इसके सब ग्रुप हैं, पहले हम इसको देख डील कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल है। ठीक, उसके बाद आप इसको देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपको ये मिल जाएगा तीसरा, और ये आपको तीसरा। ठीक, उसके बाद आप इन दोनों टॉपिक को डील करते हैं, कुछ है नहीं इसमें, और आपको सम इम्पोर्टेंट फैक्ट, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है। क्या ये बनता है? ये केवल मैंने आपके जानकारी के लिए बताया है, ये सिलेबस के लिए पूरा जो सिलेबस है वो पूरा आ गया है कि जो हेल्मिंथीज होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, उनका जो अडप्टेशंस होते हैं वो पैरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट्स के फॉर्म में होते हैं, और सारे लोग कहीं ना कहीं पैरासाइट और क्या इसको पैरासिटिज्म में रिलेशंस ही दिखाते हैं। ठीक,
तो काफ़ी बेसिक चीज़ है, मैंने इस चीज़ों को बता रखा है अपने टॉपिक में, ठीक। तो आप इनको सही तरीके से देख लीजिएगा। वैसे मैं जब डिटेल लेके आऊँगा, क्या डिटेल लेके आऊँगा, तो ज़रूर बताऊँगा इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे डिटेल नहीं है, यहाँ पे केवल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। कौन किसको क्या बोल रहा है, यहाँ पे डॉग ट्रैपवर्म क्या है, उसके बाद ड्रॉफ की बात कर रहा है तो ड्रॉफ ट्रैपवर्म क्या है, फिशेस ट्रैपवर्म क्या होती हैं, सबसे लार्जेस्ट होती हैं लगभग यहाँ पे 18 मीटर की बात कर रहा है। तो अलग अलग जो हमारे टैपवर्म्स होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के देखने मिलते हैं, अलग अलग उनकी बॉडी प्लान होती है, मतलब अलग अलग बॉडी की स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके जायगोट के बनने की स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं, ठीक। हमको दूसरे क्लास अटेंड करना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे क्लासेस की भी टाइमिंग जस्ट हो गया है, थोड़ा सा नेटवर्क इशूज़ होने की वजह से क्लासेस थोड़े से बाद में रिकॉर्ड हुए थे, ठीक। तो इस चीज़ों को आपने यहाँ पे देख लेना। जो भी आपको डाउट लग रहा होगा कि सर एक बार पढ़ने के बाद आपको डाउट लगेगा, तो आप कमेंट जरूर करना, उनका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। यदि टाइम मिलता हमको नेक्स्ट टाइम है, तो हम इस पूरे क्लास को, जो आपको क्लासिफिकेशन वाला क्लास है, उसको अलग से बना के मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक। यहां से केवल आप इसको ब्रीफ कर लीजिए, ठीक। बाकी जो चीजें हैं वो हम, यदि हमको टाइम मिलता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी उसको पूरा एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप सही तरीके से उसको पढ़ सकें। यदि आप अपने से पढ़ सकते हैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो मिलते हैं कल के क्लास में लेके अपने नए टॉपिक को, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं, आप सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।